न्यूड फोटो शूट करवाकर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अब मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। मुंबई में उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता ललित चंदानी ने मुंबई के चेंबूर थाने में रणवीर सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। आपको बता दें कि एक मैगजीन के लिए रणवीर सिंह ने न्यूड फोटो शूट करवाया था, जो सोशल मीडिया में काफी वायरल हो रहा है, जिस पर रणवीर सिंह पर महिलाओं की भावनाएं आहत करने और गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। रणवीर सिंह पर IPC की धारा 292, 393, 509 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 67(1) के तहत केस दर्ज किया गया है। रणवीर सिंह के खिलाफ जिन धाराओं में केस दर्ज किया गया है, उनके तहत उन्हें 7 साल तक की कैद हो सकती है। उनके खिलाफ IT एक्ट की धारा 67(1) के तहत भी केस दर्ज है, जो गैर जमानती है। पिछले गुरुवार को रणवीर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल और अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज पब्लिश किए। जो फ़ोटो उन्होंने किसी मैगजीन के लिए शूट किए थे, वो सारे फ़ोटो नग्न हैं। और उसके अलावा कुछ फ़ोटोज़ और वायरल हैं, जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट्स तक दिख रहे हैं। ये जो इंडस्ट्री की नग्नता है, उसको ये रोड पे ला रहे हैं। सोशल मीडिया में अब तक कोई सेंसर नहीं हुआ है, लेकिन आज हर घर का हर बच्चा, हर महिला के हाथ में मोबाइल है। और अगर उनके स्टार, जिनको नायक कहते हैं, उनकी फिल्मों के कारण बच्चे भी उनके फ़ैन हैं, उनके स्टार अगर इस तरह के फ़ोटोग्राफ जो है सोशल मीडिया में डालते हैं, तो इससे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमने डॉक्टर श्याम ललित श्याम के माध्यम से एक कंप्लेन दर्ज की है। और हमारा पुलिस स्टेशन से हमारी मांग है कि उनके खिलाफ़ IPC सेक्शन 292, 293 और 67A ऑफ IT एक्ट के तहत गुनाह दाखिल करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो और सारे अभिनेता हैं, जो और सारे सेलिब्रिटी हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचे कि ये गलत है। जिस तरह से राज कुंद्रा को अरेस्ट किया था, उनकी टीम को अरेस्ट किया था, एक अच्छा मैसेज समाज में गया, उसी तरह से रणवीर सिंह को अरेस्ट करके एक अच्छा मैसेज मुंबई पुलिस को देना चाहिए।